ये गजाली हिंदू कम्युनिटी स्कूल और हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है ओम तत्सत हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेप शाय नमः ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात् हरे राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे मेधवानी पीति जे माम एकं शरणं जे अयं तोयं सर्वे पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि वासुजे विद्वाने देवता पिता ज्ञाति पितावंता भौतयान्ति भौतज्ञा तथापि वद्यते नापि मा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारते अभ्यो तथा न मद्रमस्य तदात्मानं सज्जामि जरं सरोजरज नीचे मन मुकर सुधार बन्न रघुबर विमस्सो जोदायक पलचा। पाकिस्तान के स्कूल में भागवत गीता और दुबई से हो गए हैं गुस्सा। भाई मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का स्कूल, और पाकिस्तान के स्कूल में जो है हिंदू पढ़ाई हो रही है और वहां पे बच्चों को भागवत गीता पढ़ाया जा रहा है, रामायण पढ़ाया जा रहा है, महाभारत पढ़ाया जा रहा है और राम का शिक्षा दिया जा रहा है। भाई मैं आपको सारे वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान आया है। दुबई से गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान के वीडियो कि वहां के कुछ बच्चिया रामायण सुना रही है, महाभारत सुना रही है, कथा सुना रही है, तमाम तरह के जो है आपको सुना रही है। तो पहले आप इनका वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दुबई से का वीडियो। तो ये गजाली हिंदू कम्युनिटी स्कूल और हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है SRD यानी के श्री राम देव कुल में क्या कुछ पढ़ाया जाता है यहाँ पर, है ना। हमें धार्मिक शिक्षा हो गया और यहाँ पर उर्दू इंग्लिश जो भी है वो मुकम्मल यहाँ पर 8वीं तक शिक्षा दी जाती है। फिर देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है? धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, मतलब कुछ पूछ सकते हैं? जी पूछ सकते हैं। तो बेटा आप सुनाओ कुछ धार्मिक चार मंत्र। ओम तत्सत हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेप शाय नमः ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात् हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय श्री राम। आप सुनाएगा, आप पहले अपना नाम बताएं। प्रियंका कंवर। प्रियंका कंवर। हरि ओम तत्सत हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेप शाय नमः ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात् हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय श्री राम। आपका नाम? खड़े हो जाओ, प्रार्थना सुनो, चारों मंत्र भी सुनो। इतना प्यारा बच्चा हो, इतना छोटा सा हो के इतना स्पीड के साथ इतने मंत्र। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म के क्या मानी है? सनातन धर्म के मंत्र कितने हैं? इस धर्म की मुकद्दस किताब का क्या नाम है? भगवत गीता के क्या मानी है? भगवत गीता कितने अध्याय पर मुश्तमल है? इसमें कुल कितने श्लोक हैं? भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक किसने अध्याय किया? धृतराष्ट्र ने। पहले अध्याय का नाम क्या है? दूसरे अध्याय का नाम? भगवत गीता में आत्मा के मतलब क्या बताया गया है? भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया गया? भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान के कितने श्लोक है? हनुमान चालीसा सुना। श्री गुरु चरण सरोज रज नीचे मन मुकर सुधार बन्न रघुबर विमस्सो जोदायक पलचा बुद्धिहीन तन जान के शिवरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुए हरो कृष्ण का जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि तेलोगु जागर राम दूत तप धाम अंचन पुत्र पवन सुधामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास स्वन के संग कंचन वरन विराज सवेसा कानल कुंडल कुंडल कैसा हाथ मजा सदा विराजे कांधे मोर जनियो साजे शंकर सवन केसरी नंदन तेज पता मां जगवंदन विद्या विवान गणियो चातु राम काज करने को आते पर्व संतनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख समृद्धि से दिखावा विकट रूप धर रख जला ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात्। तो देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को भी भगवत गीता और सारे गायत्री मंत्र वगैरह धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। आप पत्रम पुष्पम श्लोक सुनाओ। पत्रम पुष्पम श्लोक सुनाओ। पत्रम पुष्पम फलत्वयम् यो वै भक्तः प्रार्थयति सदा हम भक्ति अपत्तम स्वामी प्रीति यामि। अगर कोई प्रेम और सदा सेम जे फल फूल पानी और पत्ता ही अर्पण करता है तो उन्हें ऐसी सत्कार करता हूँ। मेधवानी प्रीति जे माम एकम शरणं जे अयं तोयं सर्वे पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि वासुजे। सब सब धर्मों के छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भक्ति
जब भी और जहाँ भी धर्म की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। क्या दीवानी देवता पिता ज्ञाति पिता बनता होते आंधी बहुत ज्ञा जिलापी बच्चे दिलापी माँ। अगर कोई देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है। अगर कोई पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जाता है। अगर कोई भूतों की पूजा करता है वो भूतलोक में जाता है। अगर कोई भगवान की पूजा करता है भगवान की शरण में चला जाता है। भाई आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तान के स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाया जा रहा है, महाभारत पढ़ा जा रहा है, रामायण पढ़ा। भाई भाई बच्चियां भी गा रही हैं, बता रही हैं, सुना रही हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा और हिंदू हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं दुबई शेख, दुबई शेख की ओर कि दुबई शेख ने ऐसी कौन सी बयान दे दी है जो आपको देखनी और सुननी और जो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई शेख। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे भाई लोग अभी तक भी हम देखते हैं बहुत ट्रैवल एजेंसी बोलते हैं ये कुल्ला हो गया ये कुल्ला हो गया। अच्छा हम मानेगा सब मानेगा लेकिन तुम लोग जब उन लोग के पास जाएगा एक चीज बोलो फिर तुम लोग मालूम होगा इन लोग जूता है कि नहीं। इन लोग को बोलो मुश्किल नहीं है, कुल्ला हो गया वीजा हमारा डालो बनाओ निकालो पैसा हम देगा, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो पहला पहला पैसा मांगेगा और ये हमारा शर्त है। अगर सच्ची इन लोग सच्ची बात कर रहा है बोलो उन लोग को पहला मेरा वीजा निकालो पैसा हम देगा क्योंकि हम जरूरत है वीजा। लेकिन इन लोग कभी भी ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इन लोग जब आपका पैसा पकड़ेगा जाएगा डालेगा या कुछ भी करेगा फिर बोलेगा जब आप जाते हैं उसके पास वो बोलेगा ओ रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट का मतलब क्या है तुम्हारा पैसा भी गया, यानी पैसा भी नहीं देगा तुमको और वीजा भी नहीं देगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग इसलिए हम बोलते हैं चोर लोग से बचो। और भाई आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख जो है हमेशा लेबर के सपोर्ट में और हमेशा लेबर के लिए खड़े रहते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम।